अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेड नोट टीवी में आपका इस्तकबाल है। क्वेबेक ओवरसीज का शानदार इफ्तिताह जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बलाला एमएलए मलकपेट एआईएमएम के हाथों सफा प्लाजा बीसाइड मून फंक्शन हॉल नलगुंडा एक्स रोड मलकपट हैदराबाद में अमल में लाया गया। क्वेबेक ओवरसीज के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मुश्ताक अली अबरार और उनके वालिद मोहतरम इस इनॉग्रेशन में मौजूद थे। क्वेबेक ओवरसीज के इस इनॉग्रेशन के मौके पर दीगर मेहमानों के अलावा शहर हैदराबाद की जानी मानी शख्सियत परिवार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट के चेयरमैन जनाब मुश्ताक हुसैन, जनाब मोहसिन कुरैशी, टीआरएस लीडर जनाब अजमत खान, सोशल वर्कर जनाब मन्नान जाह इंजीनियर, इसके अलावा दीगर मेहमान खसूसी भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए जनाब मुश्ताक अली अबरार, जनाब रियाज, जनाब मन्नान जाह इंजीनियर ने मीडिया को तमाम अपने ओवरसीज के तफसीलात से वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या कहा है। ज़्यादा अपडेट्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए जेड नाउ टीवी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। याद रखिए जेड नाउ टीवी, यही सच है। क्वेबेक ओवरसीज की जानिब से जनाब अबरार साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के नौजवान बच्चों को वीज़ाज़ के अंदर ओवरसीज स्टडीज़ के लिए और कई लोगों को विजिट वीज़ाज़ के लिए जो आसानी पैदा होगी क्वेबेक ओवरसीज़ के ज़रिए, इंशाल्लाह मैं इन तमाम ज़िम्मेदारों को क्वेबेक ओवरसीज़ के बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्वेबेक ओवरसीज़ का इनॉग्रेशन हुआ है। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो एमएलए है मलकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। और आली जनाब सैफुद्दीन शफी साहब जो कॉरपोरेटर है और मलकपेट डिवीज़न के, वो भी साथ में आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनॉग्रेशन किया। और मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये ओवरसीज़ कंसल्टेंसीज़ बहुत है, लेकिन क्वेबेक ओवरसीज़ क्यों डिफरेंट है ये बताना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि की क्यूब टेक्नोलॉजीज़ जो एक आईटी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ पे ये लोग के ऑपरेशंस है, यानी हम लोगों के ऑपरेशंस है की क्यूब टेक्नोलॉजीज़ के। तो होता क्या है कि स्टूडेंट जब अप्रोच होता है ओवरसीज़ कंसल्टेंसी को, तो दूसरे ओवरसीज़ करते हैं, भेजने का काम करते हैं, वो लोग चले जाते हैं, फिर वहाँ के बाद का प्रोसेस नहीं रहता। अब जब एसोसिएशन जब की क्यूब टेक्नोलॉजी से हो रहा क्वेबेक ओवरसीज़ का, तो ये होता है कि जब बाहर चले जाते हैं तो हर चीज़ का फैसिलिटी रहती है बच्चों को। वेर एवर यू गो, नो मैटर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा और यूएस, सो आइदर यू नीड अ वर्क परमिट टू वर्क इन ए वाइट कॉलर जॉब और यू नीड ईएडी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, व्हाट यू कॉल इन यूएस, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर की ज़रूरत रहती है, तो तब आपको जो क्वेबेक टेक्नोलॉजी से पूरी हेल्प मिलती है। वी विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग इन डिफरेंट आईटी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपको जॉब का प्लेसमेंट भी हो रहा है उसमें, और आप लीगली काम कर रहे हैं वहाँ पर, आपको जो है आपके पास वर्क परमिट होता है। फिर उसके बाद अब जैसा कि यूएस है, यूएस में आपको H1 का प्रोसेस रहता, तो वो लोग हम लोग H1 भी करते, तो उसके बाद फिर ग्रीन कार्ड आता। सो एक तो क्या होता है, जब क्वेबेक ओवरसीज पे जब स्टूडेंट अप्रोच होता है, तो वहाँ से जो है सो रास्ता पूरा उसको, जब तक सेटल डाउन नहीं हुआ, जब तक जो है सो उसका एसोसिएशन रहता कैंडिडेट के साथ, ठीक है। इसके अलावा जो है और एक नया इनिशिएटिव क्वेबेक ओवरसीज़ के तरफ से ये है, स्पेशली फॉर दोस हु वांटेड टू गो टू यूएस, यूएस को जो भी जाना चाह रहे हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि क्वेबेक ओवरसीज़ जो है रिटायर्ड यूएस वीज़ा ऑफिसर से जो है आपका मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। आप जब इंटरव्यू फेस करते कॉन्सुलेट को जब जाते आप, तो आपको इंटरव्यू देना रहता यूएस में, यूएस को जाने के लिए। तो जब क्या होता, आपको अगर यूएस वीज़ा ऑफिसर के साथ आपके मॉक सेशंस हुए,
तो वो आपको बताता आपके एरियाज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, समझ रहे आप कैसा, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आप क्या आंसर देना, कैसा देना, क्या है, ये तरीके की ट्रेनिंग आपको जो है यूएस वीज़ा ऑफिसर, जो रिटायर्ड यूएस वीज़ा ऑफिसर रहता, ये चीज़ आपको कोई भी ओवरसीज में, शायद मेरे को जहाँ तक मालूम है, कोई भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन क्यूबेक ओवरसीज ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो जिसमें जो है कैंडिडेट जो है कैंडिडेट के जो है सो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम रहता क्या आंसर देना है, कैसा देना है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसा होनी चाहिए। तो ये सारे चीज़ों के ऊपर गाइडेंस दी जाती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे ये रियाज साहब जो है क्यूबेक ओवरसीज कम्प्लीटली मैनेज करने वाले हैं। रियाज साहब को माशाल्लाह से ही हैज़ लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टू करियर काउंसलिंग। सोहेल होटल जो है उसके बिल्कुल करीब में है, फ्लाईओवर आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से आना है, मून फंक्शन हॉल के बिल्कुल बाजू है। कॉन्टैक्ट बताइए आपका, और आसान नंबर है 777-710901, 777-710901। info@cubec.co.in। तो लोग ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाने के बाद उनको सारी असिस्टेंसी मिलती है, वहाँ पर उनको जैसे एयरपोर्ट में रिसीव करना, फिर उनके जो है जो भी उनके रेसिडेंस का वगैरह ख्याल रखना, ये सारे चीज़ें जो है हम लोग टेक केयर करते हैं। तो क्योंकि अबरार भाई ऑलमोस्ट आप लोग को बता दिए, फिर मैं वो रिपीट करना नहीं चाहता हूँ जो मॉक इंटरव्यू वगैरह का जो है स्पेशली हमारा एक जो है कंसर्न है। तो उसके अलावा जो है फिर हम उन लोग की सारे जिम्मेदारियाँ, फिर यहाँ पर उन लोग की प्रोसेसिंग के टाइम पर उन लोग को मेक श्योर करते हैं कि हम लोग सारे जो है प्रोसेस ऑन टाइम कर रहे हैं। जैसे कि टाइम बताइए, कुछ टाइम रहता है उसका, डिपेंड लाइक उन लोग कौन से कंट्रीज उन लोग जाना चाहते हैं, फिर यूनिवर्सिटीज़ भी डिफर करते हैं। तो स्टूडेंट ओवरसीज वीज़ास के अलावा आपके पास और क्या दीगर सर्विसेज हैं? जी हमारे पास और भी जो है जैसे कि विजिट वीज़ास शेंजेन का और कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ का और यूएई के विजिट, कोई मतलब गल्फ कंट्रीज़ के कोई भी विजिट वीज़ास, फिर इसके साथ हमारे जो है बेस्ट ऑफर्स हैं इससे, और इसके अलावा हमारी एयर टिकेटिंग भी जो है द बेस्ट फेयर्स हम लोग देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है इस जज्बे से हम लोग शुरू करे हैं कि हम लोग एक सपोर्टिव वे में हम लोग जो है सबको अपने उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफ़िल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। सबसे पहले हमारे मीर मुश्ताक अली अबरार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लास्ट जॉब मेले में आपने, लास्ट नहीं काफ़ी जॉब मेले में सपोर्ट किया है क्यूबेक ओवरसीज़ के ज़रिए। तो आज इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, मैं तमाम जितने भी लोग जिसका ख्वाब है जो यूएस से कनाडा के लिए, तो आपका डेस्टिनेशन क्यूबेक ओवरसीज़ रहेगा। काफ़ी अच्छे यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, और मैं ऑलरेडी हम लोग अनाउंस कर चुके हर चुका कि मैं वो लोगों से गुजारिश करता हूँ कि क्यूबेक ओवरसीज़ आइए और यहाँ के फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाइए। सबका ख्वाब है यूएसए जाना, कनाडा जाना, मगर यहाँ क्यूबेक ओवरसीज़ में आपको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो मैं हमारे मुश्ताक अली अबरार साहब जो काफ़ी एक क्यूबेक के फाउंडर भी है और एक अच्छे बेहतरीन सपोर्टिव भी है, क्योंकि हर जॉब मेले में क्यूबेक ओवरसीज़ के ज़रिए आप सपोर्ट करते हैं, तो मैं तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूँ क्यूबेक ओवरसीज़ मलकपेट पे मौजूद है, यहाँ पर आके आप भरपूर इससे फ़ायदा उठें।